लगान 1942 अ लव स्टोरी, देवदास और लगे रहो मन्ना भाई जैसी फिल्मों के आज डायरेक्टर नितिन देसाई का निधन हो गया है। पीटीआई भाषा को पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अपने स्टूडियो में मृत पाए गए। बताया जा रहा है कि नितिन देसाई ओटीटी पर रिलीज होने वाले शो महाराणा प्रताप के काम में भी व्यस्त थे। हरियाणा के नूह से फैली हिंसा ने कुछ ही दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इस घटना में जान माल की भी हानि हुई है। हिंसा को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को कहा कि नूह और दूसरे जिले में फैली हिंसा अब पहले के मुकाबले काबू में है। उन्होंने बताया कि इस हिंसा में हरियाणा में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कमांजो का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दिखाया जाएगा। इस हाई ऑक्टेन पावर पैक सीरीज को विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्देशित किया गया है। 11 अगस्त 2023 को ये रिलीज होने के लिए तैयार है। हालांकि इसका ट्रेलर देखने के बाद फैंस को विद्युत जामवाल की याद आ गई। वहीं उनकी तारीफ करते हुए फैंस थक नहीं रहे हैं। गोरखनाथ थाने से बमुश्किल 100 कदम की दूरी पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम गैस कटर से काटकर 7.43 लाख रुपए चोरी कर लिए गए हैं। रविवार को घटना के बारे में पता चला। डार्क स्क्वाड और फिंगरप्रिंट यूनिट की मदद से पुलिस घटना की लगातार छानबीन कर रही है। हैरत की बात यह है कि चोरों ने गैस कटर से एटीएम काटने के पहले वहां लगे दोनों सीसीटीवी कैमरों पर काला पेंट लगा दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सपा प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों के साथ एक बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए चुनावी मंत्र भी दिया गया। उन्होंने तमाम प्रवक्ताओं को नसीहत दी कि पार्टी की बात रखते समय तोल मोल कर बोले, ताकि कोई विवाद न हो पाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठी खबरें प्रचारित करने में माहिर है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। पिछले दिनों सीमा और सचिन ने अपनी आर्थिक तंगी का जिक्र भी किया था। मेरठ के एक फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा और सचिन को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है, तो अब गुजरात के एक कारोबारी ने भी दोनों को 50,000 रुपए प्रतिमाह की सैलरी पर नौकरी देने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र की राजनीति को लेकर नीतीश कुमार इन दिनों काफी सुर्खियों में है। विपक्षी एकता मुहिम की अगुवाई के बाद नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में मोदी सरकार को चुनौती दे सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ सकते हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की जनता मांग भी कर रही है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षण संस्थानों की दशा सुधारने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। स्कूलों में शिक्षकों की ससमय उपस्थिति, छात्रों के स्कूलों में मौजूदगी, शिक्षकों के ड्रेस कोड, बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अलावा भी कई काम शिक्षकों को निपटाने पड़ते हैं। रोजाना इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 3-4 महीने का समय ही शेष बचा है। ऐसे में मध्य प्रदेश भाजपा की कमान लगभग केंद्रीय नेतृत्व में अपने हाथों में ले ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। 21 दिन में वे 3 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, जबकि चौथा दौरा भी संभवतः अगस्त महीने में ही है। इधर पीएम मोदी के दौरों को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। उनके अनुसार पीएम मोदी 3.5 महीने में 3 से ज्यादा बार मध्य प्रदेश आ सकते हैं। राजस्थान विधानसभा का सत्र बुधवार को शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रामगंज मंडी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मदन दिलावर के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधायक मदन दिलावर का निलंबन हुआ है वो ठीक नहीं है। इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने कहा, मदन नहीं तो सदन नहीं। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड के जवान और 4 आम नागरिक की मौत हो गई है। नूह में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने समीक्षा बैठक की है इसको लेकर। हरियाणा के बल्लभगढ़ में उपद्रव की कोशिश कर रहे 8 से 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सभी की उम्र 15 से लेकर 23 साल के बीच बताई जा रही है। फिलहाल उनसे पूछताछ लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर खड़ा है। कुछ महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इसलिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां भी लगातार तेज है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी महीने कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद करने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। 1000 करोड़ रुपए का यह जुर्माना 4 सरकारी तेल व गैस कंपनियों पर लगा है। रिजर्व बैंक ने जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है उनमें ONGC विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल है।
भारत ने वेस्टइंडीज को 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से हरा दिया है। भारतीय टीम ने तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 200 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में कई युवा भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी छाप भी छोड़ी है। खासकर अगर बात करें ईशान किशन की, तो उन्हें मिले मौकों को शानदार तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में 184 रन बना डाले, साथ ही उन्होंने तीनों मैचों में 50 रनों का आंकड़ा भी पार किया। पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपने रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान के साथ काम करना जारी रखेगा। दक्षिण एशियाई देश में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने वाली पाकिस्तान में CPEC परियोजनाओं की शुरुआत को अब 10 साल पूरे हो गए हैं।